पहले इरफान खान और अब ऋषि कपूर, दो जबरदस्त एक्टर्स की दो दिनों में मौत, बहुत ही जबरदस्त सदमा लगा है, बहुत दुखी हूं मैं। इरफान खान तो एक बहुत महान कलाकार थे, जबरदस्त एक्टर थे, एक उनमें अलग किस्म का करिश्मा था। लेकिन आज मैं ऋषि कपूर साहब की बात करना चाहता हूं, चिंटू की, राज कपूर के बेटे, जिनको हमने सबसे पहले मेरा नाम जोकर में देखा था। एक बिल्कुल ही यंग स्कूल गोइंग स्टूडेंट, जो काफ़ी प्लम्प थे, मोटे थे, कोई सोच भी नहीं सकता था मेरा नाम जोकर में देख के कि कुछ सालों बाद यही लड़का बॉबी में 1973 में राज कपूर ने जो टीनेज रोमांस पे फिल्म बनाई थी उसमें आएगा और रातों रात लोगों के दिलों पे, दिमाग पे छा जाएगा। ओवरनाइट स्टार जो कुछ लोग बने इंडिया में, उसमें से एक ऋषि कपूर और उनकी बॉबी की को एक्टर डिम्पल कपाड़ियां थी, जिन्होंने यूथफुल रोमांस को इस जोड़ी ने भारत में रीडिफाइन किया। राज कपूर में तो एक अदा ही अलग थी, एक जबरदस्त फिल्म मेकर थे, लेकिन इन दोनों एक्टर्स ने और बॉबी फिल्म के डायलॉग्स, बॉबी फिल्म के गाने, हम तुम एक कमरे में बंद हो, झूठ बोले कौआ काटे, मैं 13-14 साल का था 1973 में, लोगों ने ऋषि कपूर टाइप हेयर स्टाइल, बेल बॉटम्स, शर्ट्स को बाहर रखने की आदत, सब एक ऋषि कपूर का जैसे क्रेज, लोग पागल हो गए थे, दीवाने हो गए थे। और ये वो दौर था जब रोमांस के किंग ओरिजिनल बादशाह राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, लेकिन उनको चैलेंज करते हुए ऋषि कपूर आए एक ताजी हवा के झोंके की तरह, और किस तरह से उन्होंने एक तरह से टेक ओवर कर लिया उस पूरे जॉनर को, रोमांस के जॉनर को। और एक के बाद एक उनकी फिल्म आई राफू चक्कर, खेल खेल में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी, अमर अकबर एंथनी में कौन भूल सकता है अकबर को, और जिस तरह से उन्होंने कव्वाली गाई थी नीतू सिंह के साथ, जो उनकी बहुत ही जबरदस्त को स्टार रही और बाद में जिनसे उनकी शादी हुई। तो अमर अकबर एंथनी, मेमोरेबल फिल्म नसीब, एक और फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ जो इतनी पॉपुलर हुई, हिट हुई, और कभी कभी एक और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी फिल्म, तो तभी तो अमिताभ बच्चन का ट्वीट आया है कि ही इज कम्प्लीटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रॉयड। तो और फिर एक जो सबसे आइकॉनिक और कल्ट फिल्म शायद ऋषि कपूर की थी, वो थी कर्ज, जिसके गाने सुभाष गई की मेगा हिट, और जिसके गाने आज भी लोग गुनगुनाते हैं, और आज भी जो उसमें डांसिंग स्टेप्स थे ऋषि कपूर के, सब याद करते हैं उनके लुक्स को, उनकी अदाओं को, उसकी इतनी बात होती है। एज एन एक्टर भी ऋषि कपूर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त रहा, कई फिल्में थी जहां पे वो रोमांटिक स्टार और हुई हीरो से हटकर थोड़ी उन्होंने भूमिकाएँ की, चाहे वो फिल्म दूसरा आदमी थी राखी के साथ, चाहे उनकी फिल्म सरगम थी चांदनी श्रीदेवी के साथ, उनकी सुपरहिट फिल्म यश चोपड़ा की। तो ऋषि कपूर तो मतलब ऐसा था कि एक जनरेशन ऑफ सिनेमा लवर्स के लिए ही वाज द अल्टीमेट रोमांटिक हीरो, जो कभी बड़ा ही नहीं हुआ, चिंटू ही रहे ऋषि कपूर हमेशा। लेकिन उनका दोबारा से अवतार हुआ, वो नए सिरे से प्रकट हुए 2000s में, जब उनका बेटा कामयाबी की सीढ़ियां तेजी से चढ़ रहा था रणबीर कपूर, तब ऋषि कपूर ने खुद को रीइन्वेंट किया और कितनी खूबसूरत पिक्चर्स में काम किया और इतनी अच्छी एक्टिंग की, कपूर एंड सन्स मुल्क। तो एक बहुत बड़े स्टार, एक बहुत ही पॉपुलर स्टार की मौत पे मतलब एज अ फैन मोर देन एनीथिंग एल्स मैं श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा हूँ, और मिस कर रहे हैं हम आर के बैनर का एक और रोशन चिराग बुझ गया आज, एक ऐसे बैनर, एक ऐसी फैमिली का चिराग जिसने इंडियन सिनेमा को इतना कुछ दिया है। पृथ्वीराज कपूर, रिमेम्बर हिम, फिर राज कपूर, शमी कपूर, शशि कपूर, तीनों भाई नहीं रहे, और अब उनके बेटे, राज कपूर के बेटे चिंटू यानी ऋषि कपूर की डेथ हो गई। आज का दिन ऋषि कपूर के नाम, RIP, रेस्ट इन पीस ऋषि कपूर, चिंटू द ऑलवेज यंग एवर रोमांटिक सुपर हीरो ऑफ हिज टाइम एंड ऑल टाइम।